कि मैं रहा हूँ परेशान हर उस बात से जो मुझे कही गई बिन वजह। सुनता रहा हूँ आज तक बन गुनहगार, देता रहा खुद को सज़ा। हाँ पर आज वादा करता हूँ नहीं दूंगा किसी को ये अधिकार कि मेरा दिल दुखा जाए। जी लिया सभी के लिए, अब एक बार खुद के लिए जिया जाए। जी हाँ, दैट वॉज मेरी छोटी सी कोशिश टू मेक यू फील अ लिटिल पम्प्ड अप। Hi everybody, this is ABR. Today we are discussing something new. We are discussing positivity. हम लोगों ने पॉजिटिविटी पे पहले भी एक वीडियो बनाया, बट वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया. So we decided कि हम अब छोटे छोटे वीडियोज बनाएंगे, and they are going to be 5 videos. This is the first video. So 5 videos, and in those 5 videos, I'll recommend 5 books, and I'll recommend 5 exercises. और न्यू काइंड ऑफ हैबिट्स दैट कैन बी डेवलप। आई होप उनमें से कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे सभी को कुछ सीखने को मिल सकता है। चलो वी शुड डिस्कस पॉजिटिविटी। सी, रिसर्च कहती है कि हमें दिन में ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल फॉर एनीबडी कि उन 60,000 थॉट्स में से मे बी हाफ या हाफ से ज़्यादा जो हैं या तो रैंडम थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं। नॉट ऑल ऑफ देम आर वेरी एम्पावरिंग, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव और हैप्पी, जॉयफुल थॉट्स। वट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू सेट आर माइंड इन सच अ वे जहाँ मजॉरिटी ऑफ जो थॉट्स हैं हमारे वो या एम्पावरिंग हों या स्ट्रॉन्ग हों या ऐसे हों जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारा ड्रीम, हमारी जो भी पर्पस है लाइफ का उसे अचीव करने में हेल्प कर सकें। सो हम अपने थॉट्स को डायरेक्ट करके उधर ले जा सकें जहाँ हमें पता है कि हमारी प्रोग्रेस होने वाली है, इम्प्रूवमेंट होने वाली है, बेटरमेंट होने वाली है। वो तभी हो पाएगा जब हम थोड़ी अटेंशन अपने थॉट्स को दे पाएँ। सो एक्सरसाइज का जो पहला दिन है और जो पहली एक्सरसाइज है, इसे एक्सरसाइज कहना भी ठीक नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ कॉन्शियसली डन एक्सरसाइज। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट वॉच योर थॉट्स। हमने जब पहले वीडियो ये बनाया तो पहला पॉइंट पीस ऑफ माइंड को दिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, आई रिसर्च इट अ लिटल मोर एंड देन आई रियलाइज कि आप पीस ऑफ माइंड तभी डेवलप कर पाएंगे जब आपको अपने आप को समझ पाने की एक मैजिकल पावर आ जाएगी। और वो कब आएगी? जब आपकी अटेंशन आपके थॉट्स पे जानी शुरू हो जाए। वो कैसे होगा? समझ लीजिए कि आप रैंडमली बैठे हैं एंड देर आर मैनी थॉट्स दैट आर कमिंग एंड गोइंग इन योर माइंड। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको कुछ दिन के लिए, एटलीस्ट जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, ऑल यू हैव टू डू इज़ वॉच योर थॉट्स कि मुझे कैसे ख्याल आ रहे हैं, कैसे सोच मेरी जो है वो काम करती है, क्या मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं किन चीज़ों को अटेंशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, कौन से थॉट्स हैं जो रिकरिंग थॉट्स हैं, मतलब जो बार बार आते हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो बहुत हैप्पी हैं, बहुत मैजिकल हैं, जो अगर एक बार आके जाएं तो उनका असर जो है वो अगले एक घंटे तक रहता है। मे बी कोई ऐसी वीडियो है जिसे देख के आप बहुत खुश हो जाते हैं, मे बी देयर इज़ अ टीवी सीरियल, मे बी देयर इज़ अ बुक। अच्छा, बुक से याद आया, जो हमारी आज की बुक है दैट इज़ हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। ये बुक जो है मैं अपने डेस्क पे रखती हूँ एंड आई कैन रीड इट जब भी मेरा मन करे। इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि आपको यहीं से पढ़नी है या वहीं से पढ़नी है। द बुक हैज़ लॉट ऑफ चैप्टर्स, आई थिंक इट हैज़ 101 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, सब एक एक दो दो पेज के हैं एंड इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ रिटन बाय रोबिन शर्मा एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। एक बहुत ही नए तरीके से सोचने को चीज़ें मिलती हैं। सो आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी का जो प्रोसेस है, पॉजिटिविटी इज़ नॉट अ बटन कि आज प्रेस हो जाएगा और कोई पॉजिटिव बन जाए। पॉजिटिविटी इज़ अ प्रोसेस, ओके, एंड इस प्रोसेस में हमारा पहला कदम जो है वो यही है कि ये बुक आप पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग इज़ यू विल वॉच योर थाट्स। उन 60,000 थाट्स के आने जाने में आप सिर्फ ये देखें कि मैं कैसे थाट्स सोच रहा हूँ, क्या अच्छे सोच रहा हूँ,
बुरे सोच रहा हूँ, जो भी है, आपको सिर्फ उन्हें देखना है, ना रोकना है ना बढ़ाना है, यू जस्ट हैव टू वॉच देम. ओके, एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होपफुली इट विल मेक यू अ टैड मोर पॉजिटिव. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड सपोर्ट इट एज मच एज यू कैन. बाय बाय.